हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के व्लॉग में हम नेरुल नवी मुंबई घूमने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक गार्डन, एक तालाब, नेरुल स्टेशन भी देखेंगे, लेकिन हम बाहर से देखेंगे क्योंकि आज का जो हमारा व्लॉग है बाइक राइड का व्लॉग है, सिटी राइड का व्लॉग है। गाइस, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर न्यू व्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार आप जाके देखिए, उसमें आपको सब कैटेगरी वाइज मेरे जितने भी ब्लॉग से आपको सब मिलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, इस वक्त हम है नेरुल में, नेरुल नवी मुंबई में आता है और ये जो लोकेलिटी है ये नवी मुंबई में, जैसे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सेक्टर सिस्टम है, सेक्टर वाइज प्लॉट वाइज सेम उसी तरह ही है। हम नवी मुंबई काफ़ी घूम चुके हैं, वैसे भी एरोली, कोपरखेड़ने, वाशी, लगभग हम काफ़ी घूम चुके हैं, पनवेल, न्यू पनवेल और कालम बोली, और पिछले टाइम हम कामोठे लोकेलिटी भी हम घूमे थे। और जो है तो आज जो है हम इस वक्त नेरुल में आ चुके हैं और खारघर भी हम घूम चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, लेफ़्ट साइड में जो है गार्डन दिख रहा है और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है। साइड में से देखिए अच्छी तरह से जो है गार्डन के यहाँ से फुटपाथ बना हुआ है और यहाँ पे सेक्टर वाइज सब लिखा हुआ है। राइट साइड में जो है अच्छी तरह पेड़ है और ये जो है लगभग जितनी भी नवी मुंबई में लोकेलिटी हम घूमे काफ़ी अच्छी है। लेफ़्ट साइड में बस स्टैंड है तो यहाँ पे जो है यहाँ से हम एक आगे से यू टर्न ले लेते हैं और फिर और हम आगे घूमते हैं। तो मैं जो आया हूँ यहाँ पर अभी सायन पनवेल एक्सप्रेस वे से आया हूँ और जाते टाइम भी हम वापस वहाँ से ही जाने वाले, तो अभी यहाँ से एक यू टर्न ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डी मार्ट भी है और यहाँ पे कुछ रास्तों का कुछ काम चालू है और यहाँ की जो अभी तक जो एक एरिया है, रेसिडेंशियल लोकेलिटी है, यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है और यहाँ पे पार्किंग सिस्टम भी है। मेन रोड्स पे P1 P2 रहता है और अंदर साइड में थोड़ा बहुत जहाँ पे नहीं रहता है जो पार्किंग P1 P2 वहाँ पे कहाँ पे भी लगा सकते हैं देख के। तो यहाँ से जो है हम एक अंदर वाला रास्ता जा रहे हैं और बाकी जो है मैं भी यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आया हूँ और बाकी जो है हम एक सिटी राइड का ब्लॉग है हम, तो बाइक पे ही हम देखेंगे बाहर बाहर से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। और जो है पहले जो थे हम मेन रोड पे थे और ये है रेसिडेंशियल लोकेलिटी और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, अच्छी तरह से पेड़ है, यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स होने के बाद भी ट्रीज़ को काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है, तो जो है ग्रीनरी काफ़ी है और काफ़ी अच्छी सफाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए साइड में डस्टबिन्स वगैरह सब पड़े हैं और ये जो है एक गार्डन लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉक गार्डन। तो जो है राइट साइड में जो है रॉक गार्डन दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बंद है ये। और जो है रॉक गार्डन मतलब कि कुछ पत्थर की तरह अंदर रहेगा और बाहर से भी वैसे ही अच्छी तरह बना हुआ है। तो एक्चुअल में मैं अंदर आ चुका हूँ, अंदर से ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो जो है वहाँ से आया तो मैं वहाँ से ही हूँ, सेम पनवेल सायन पनवेल एक्सप्रेस वे से ही आया हूँ और जाते टाइम आपको हाईवे दिखाऊंगा। तो ये जो है अंदर की एरिया ही है और काफ़ी रेसिडेंशियल लोकेलिटी है ये, अच्छी अंदर की अच्छी लोकेलिटी है। मैंने एक्चुअल में अंदर से ही चालू किया है व्लॉग बनाना। तो जो है अभी जो है ये जो है एक बंगलो एरिया लग रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है। और अभी तक राइट साइड में हमें गार्डन दिख रहा है जो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे नवी मुंबई में काफ़ी गार्डन्स भी है, ऐसे जगह जगह पे गार्डन दिखते ही है। तो जो है मतलब अभी तक हम एक गार्डन देख चुके हैं और फिर मैं आगे भी हम देखेंगे। और यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स ज़्यादा है, रेजिडेंशियल है एरिया। और आगे जो है मैं आपको मेन रोड भी वापस जो है दिखाते हुए जाऊँगा। तो यहाँ से जो है थोड़े थोड़े जो है स्पीड ब्रेकर भी है और स्पीड ब्रेकर ज़रूरी भी रहता है ताकि जो है गाड़ी की स्पीड एक लिमिट में चले, ताकि जो रेसिडेंशियल लोकेलिटी वाले हैं उनके लिए अच्छा है देखा जाए तो, क्योंकि जो है कोई भी गाड़ी फास्ट चलाएगा तो कभी कोई किसी को क्रॉस करना हो कुछ भी हो। लेकिन वैसे जो है यहाँ पर ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ट्रैफिक क्या पब्लिक ही नहीं है, काफ़ी कम है यहाँ पर जो पब्लिक है। तो अभी हमें एक यहाँ से एक राइट टर्न ले लेते हैं और लाइटिंग्स वगैरह भी ऊपर जो है रोड लाइट्स भी अच्छी है, मतलब काफ़ी मज़ब मज़ब यहाँ पे जो है घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है।
सामने भी एक मैदान की तरह बना हुआ है, तो मुझे जो है प्लेग्राउंड लग रहा है जो सामने लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है, यहाँ से प्लेग्राउंड है। और जाते वक्त मैं आपको यहाँ पे एक डीवाई पाटिल कॉलेज है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, काफ़ी जो है फेमस कॉलेज है वो भी। तो यहाँ से जो है यहाँ पे भी एक सर्कल आ चुका है, और ऊपर देखिए लाइटिंग्स कितनी अच्छी तरह है, जो ऊपर रोड लाइट्स है एक लैंप की तरह बना हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम चालू ही है। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा जो है रिक्शाएँ हैं, टैक्सियाँ नहीं दिख रही है बिल्कुल। और ये सर्कल से भी हम एक ले लेते हैं टर्न, और जितना होगा एक ही ब्लॉग में हम कवर करेंगे, काफ़ी लगभग नेरुल जो है हमने काफ़ी कवर कर लिया है। और ये है मेन रोड, तो यहाँ पे जो है काफ़ी शॉप्स भी है, कॉम्प्लेक्सेस है, बिल्डिंग्स है, और जो है लगभग हमें जो है अच्छा खासा रोड है, वन साइड है जाने के लिए, और साइड में पार्किंग भी है, और जो है बीच बीच में भी अच्छे पेड़ है यहाँ पे, लगभग सब कुछ है यहाँ पे अभी तक जितना हम घूमे हैं। और मुझे यहाँ पे एक दिख गया है तालाब, तो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूँ तालाब का। है छोटा तालाब ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है एक एका तालाब तो दिख ही जाता है नवी मुंबई में, हर लोकेलिटी में मैंने तालाब देखा है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो लगभग हमने देख लिया है यहाँ से, और जो है काफ़ी ऊपर ये जो है पक्षी भी है, काफ़ी बर्ड्स है ऊपर, और पेंटिंग्स भी है यहाँ पे। मेन जो है यहाँ पे पेंटिंग्स ज़्यादा देखी है मैंने नवी मुंबई में, काफ़ी पेंटिंग्स हैं। और इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट व्लॉग में हम बेलापुर, मैंने सोच के रखा है सीबीडी बेलापुर, काफ़ी अच्छा है वो जो है, काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है, क्योंकि मैं एक बार देख के आया हूँ, और अभी नेक्स्ट टाइम आपको जो है अभी सीबीडी बेलापुर भी आपको घुमाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है टी कॉफ़ी, छोटे मोटे शॉप्स, और सब कुछ है लगभग यहाँ पे, जो है हर तरह के शॉप्स है, और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। बिल्डिंग्स जो है फ़िलहाल यहाँ पे एक छोटी बिल्डिंग्स ही दिखी है, लेकिन अंदर जो है कभी कभी अंदर की एरिया में जो रहती है बड़े बड़े टावर्स भी रहते हैं, और यहाँ पे जो है छोटे मोटे घर भी है, शॉप्स भी है, लगभग काफ़ी कुछ है। और बस भी है, अच्छी खासी प्राइवेट बसें चल रही है यहाँ पे, बस स्टॉप तो मैंने आपको एक दिखाया है एक दो, तो यहाँ पे जो है सिग्नल्स है, लेकिन मेन एकदम मेन हाईवे पे सिग्नल है। और जो है यहाँ पे लगभग जो है फ्रेश रूम भी बने रहते हैं जगह जगहों पे, और उसका जो है उसके बारे में निशान तक रहता है कि एरोस रहते हैं कि यहाँ से इतना मीटर दूर, 100 मीटर दूर फ्रेश रूम है। तो मतलब जो है जो रेजिडेंशियल वालों के लिए या आने जाने वाले पब्लिक के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पे बैंक्स है, और यहाँ से जो है हमें दिख रही है बैंक फैसिलिटी जो भी है सब कुछ है यहाँ पे। और बस स्टॉप यहाँ पे और एक दिख रहा है, यहाँ से इंडस्ट्रियल एरियाज भी है, लेकिन वो जो है हाईवेज पे ही दिखती है ज़्यादा, ये एक रेजिडेंशियल लोकेलिटी है। हाँ शॉप्स है, तो शॉप्स के हिसाब से एक कॉमर्शियल लोकेलिटी भी कह सकते हैं। और अभी जो है फ़िलहाल हमें लेफ़्ट साइड में जो है मुझे लग रहा है मैदान ही है खाली, तो यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, मुझे नहीं सॉरी मैदान नहीं है, लेफ़्ट साइड में जो है मुझे लग रहा है कि रेलवे लाइन है यहाँ से। तो अभी जो है आगे नेरुल स्टेशन आने वाला है, मैं आपको नेरुल स्टेशन भी दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद जो है मैंने आपको एक गार्डन दिखाया, तालाब दिखाया, और स्टेशन देख के, और जो है आगे से फिर मैं आपको डीवाई पाटिल कॉलेज जाते वक्त दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे खड़ी है बस, हम ले लेते हैं साइड में से, और जो है यहाँ से लेफ़्ट साइड में ही है नेरुल स्टेशन। नेरुल स्टेशन से भी हम वहाँ से जो है एक हार्बर लाइन है, वहाँ से हम नेरुल स्टेशन से थाने की तरफ जा सकते हैं, फिर थाने से जो है मुंबई ये सब साइड जा सकते हैं, और भी पीछे जाने के नवी मुंबई घूमने के लिए जो है लोकल ट्रेन से जा सकते हैं। मतलब काफ़ी जो है यहाँ पे जहाँ से हमें स्टेशन दिख रही है, हम स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं, और मैं आपको एक स्टेशन की भी झलक दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो है हमने स्टेशन देख ली है लगभग, और एक यहाँ से अभी टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप भी है, रिक्शा स्टैंड भी है। मैंने आपको स्टेशन दिखा दी है राइट साइड में जो थी, जाते वक्त लेफ़्ट साइड में थी। तो और यहाँ से जो है हमें वाटर टैंक भी दिखाई दे रही है, पानी की टाँकी भी दिखाई दे रही है दो। तो यहाँ से जो है हम वापस से पकड़ लेंगे लेफ़्ट, और फिर लगभग हमारा जो है सीधा सीधा ही रास्ता है, और फिर बस मैं आपको जाते टाइम एक कॉलेज की थोड़ी झलक दिखा दूंगा बाहर से,
और उसके बाद जो है हम पनवेल सायन एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे, मतलब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से मैं फिर निकल जाऊंगा। यहाँ पे देखिए पार्किंग भी है सब एक ही साइड में, और पेंटिंग्स भी है साइड साइड में। तो लगभग जो है हमारा घूमना हो चुका है आज का। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे हर व्लॉग का आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो है हम एक यहाँ से जो है अंदर वाला रास्ता ले लेते हैं। देखिए कितना बड़ा पेड़ है यहाँ पे, पूरा एक ही पेड़ जो है काफ़ी है, पूरा जो है धूप को जो है कवर कर रहा है, वैसे तो ठंड का मौसम है। और ये भी जो है स्टेशन का ही एक, यहाँ से भी शायद एंट्रेंस है स्टेशन का, मतलब एक वहाँ से एंट्रेंस था एक यहाँ से एंट्रेंस है ऐसे लग रहा है। तो और ये जो हमने रास्ता पकड़ा है साइड में से हमें रेलवे लाइन दिखाई भी दे रही है, यहाँ से देखिए रेलवे लाइन हमें दिखाई भी दे रही है। तो वो जो था स्टेशन का स्टार्टिंग साइड रहेगा ये जो है, यहाँ से साइड में से स्टेशन ही दिख रहा है हमें। और ये जो है यहाँ से लेफ्ट साइड में अच्छी तरह फुटपाथ बना हुआ है, काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है। और यहाँ से जो है पब्लिक के चलने के लिए, पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए फुटपाथ के बीच में से जो है बनाया हुआ है, बीच में से आराम से चल रहे, और उस तरफ से भी है रास्ता। तो यहाँ पे जो है स्टेशन की एरिया ही है लगभग, ये घूम के फिर हम वापस से एक मेन रोड पकड़ के हम निकल जाएंगे यहाँ से।
यहाँ से हमें सामने जो रास्ता जा रहा है एक विलेज की तरफ जा रहा है, मैंने यहाँ से जो है इसलिए लिया है ताकि मैं टर्न लेके आपको कॉलेज दिखा सकूँ। यहाँ पे जो है DY पाटिल एक मेडिकल की स्टडीज़ होती है, यहाँ पे तो मेडिकल साइंस की स्टडीज़ होती है, यहाँ से काफ़ी लोग डॉक्टरी करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सामने कॉलेज हमें दिख रहा है और ये स्टूडेंट्स भी नीचे दिख रहे हैं हमें, और यहाँ से बस अभी सीधा जाएंगे तो सायन मुंबई पनवेल सायन एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएंगे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएंगे। और जो है मैं नीचे से क्रॉस करके भी आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ, यहाँ से सामने जो हम क्रॉस करेंगे थोड़ा सा मैं आपको हाईवे दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ से हमें जो है नीचे से क्रॉस कर लेते हैं, ये है पनवेल सायन एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से जो है हम राइट साइड में जाएंगे तो टूवर्ड्स पनवेल की तरफ रास्ता जाएगा। तो उसके पहले जो है ये सब नवी मुंबई के जो है आएंगे सब खारगर, और ये जो है काफ़ी स्टेशन्स आएगी, और बैक साइड भी जाएंगे तो कुछ नवी मुंबई की स्टेशन्स आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बसेस भी मिलती है काफ़ी हाईवे से, और जो है बस अभी जो है आज का जो है हमारा यहाँ तक ही है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।